नमस्कार, आज हमारे साथ हैं अंजू सिंह जी, जो कि न्यूजीलैंड से आए हैं इंडिया में पंचकर्म कराने। तो उन्होंने पंचकर्म में क्या ट्रीटमेंट किया और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, चलिए पूछते हैं। नमस्ते अंजू जी। नमस्ते। कहाँ से हैं आप? मैं ऑकलैंड में रहती हूँ। ऑकलैंड में रहते हो, कब से रह रहे हो वहाँ पे? मोर देन 11 ईयर्स। 11 ईयर्स से। और अभी बेसिकली कहाँ से हो आप इंडिया में? मणिपुर से। मणिपुर से हैं आप, ठीक है। सो आप इंडिया क्यों आए हैं? ये करने के लिए आया हूँ मैं। पंचकर्म करने के लिए आप आए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते, क्या प्रॉब्लम थी आपकी जिसके लिए आप इंडिया में, मतलब पंचकर्म, ये पहली बार ही पंचकर्म का पता कैसे चला? मेरा 2019 में विटिलिगो की डायग्नोसिस हुई थी। विटिलिगो, सफ़ेद दाग। थोड़ा बहुत विद इन द बॉडी। तो मेरे को एलोपैथी ट्रीटमेंट में स्टीरोइड के थ्रू से जाना था, और कंटेन कर सकते हैं या स्प्रेड हो सकते हैं उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं था। और उसके ऊपर से मेरा हार्मोनल प्रीमेनोपॉजल सिम्टम्स आने लगे, सो आई डिड नॉट वांटेड टू प्ले विद माय हार्मोन्स। सो मैंने सोचा मैं नेचुरल ट्रीटमेंट में जाऊंगी। तो जब इंडिया आया तो गुवाहाटी में केरला आयुर्वेद से मैंने पंचकर्मा करवाए थे। कब की बात है ये? 2019 की। 2019, क्या किया था वहाँ? वहाँ पे आपका 7 डेज ऑफ अभ्यंग किया था, नश्य किया था, फिर थर्ड वीक में एक टेबलेट देके क्लेंजिंग, एक सिस्टम ऑफ क्लेंजिंग कराया था, लूज मोशन वाला कराया था। उसमें घी कुछ पीने दिया था? घी पिए नहीं थे हमने। तो वो ट्रीटमेंट आपकी ग्रिट पान वाला विरेचन की, पहले आप यहाँ जो करते थे 5 डेज जो घी पिलाते, हाँ वो प्रोसेस नहीं थे वहाँ पे। हाँ, आधा प्रोसेस करने के बाद मेरे को लास्ट वीक में एक टेबलेट दिए थे, वो खाने के बाद लूज मोशन होके देयर वाज द फाइनल स्टेज। ओके। हाँ, तो फिर मैं वापस गई दवाई लेके, जो भी स्किन की एप्लीकेशंस था वो करने के बाद मेरी जो पूरा वाइट जो था थोड़ा ब्राउन होने लगे, कलर चेंजेस आने लगे। जो विटिलिगो था वो? हाँ, विटिलिगो के स्पॉट्स जो है उसमें ऑयल लगाना था, ओरल खाना था, वो करने के बाद मेरे को ब्राउन होने लगे। जो वाइट पैचेस थे वो ब्राउन हो गए? ब्राउन होने लगे। साइज सेम था बट मिडिल से ब्राउन होके कहीं 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 जगह में पता नहीं चला कि वो सफ़ेद थे, बोल गए थोड़ा सा ऐसा स्क्रैच होने के बाद तो दाग रह जाते, वैसे रह गया, तो प्रोमिनेंट नहीं था। तो उसके बाद कोविड हो गए, मुझे वापस आना था हर साल, तो मेरे को इस सिस्टम में बिलीव भी था कि हाँ आई एम सीइंग द रिजल्ट। कौन से सिस्टम में? आयुर्वेदा में। तो उन्होंने बताया था कि टाइम लगेगी आपको, एक बार में नहीं होगी, एंड आई नो दैट एक बार में नहीं होगी, बहुत साल की प्रॉब्लम है, तो ये स्ट्रेस रिलेटेड है, ठीक है, ऑटो इम्यून है, ठीक है, समझ गया। मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ने लगी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो मेरे को वापस आके पंचकर्म करनी थी अनादर नेक्स्ट ईयर, लेकिन कोविड की वजह से नहीं आ पाया। तो कोविड देन कम्स, लाइफ गोज ऑन। तो फिर मैंने इस साल डिसाइड किया, फिर 2019 में मैंने आपको कॉल किए थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करना है, तो मैं बॉम्बे नहीं आ पाई। तो फिर आपने बोला कि फर्स्ट थिंग इज़ अवॉइड मिल्क, क्योंकि उससे बहुत कुछ हो सकता है अनजाने में। देन आई टोटली मिल्क आपने अवॉइड कर दिया, पूरा बंद किया, मिल्क योगर्ट मैंने सारा बंद किया। तो इस साल मैंने डिसाइड किया कि अच्छा यही करना है और सही से करना है, इसीलिए मैंने कहीं नहीं गए, आपके पास आए। ठीक, चलिए। तो आप जब आए थे 7 प्रॉब्लम्स बोली थी, अब उसमें से हम पूछते हैं कि कैसा है, आपने कौन कौन से पंचकर्म किए, नाम याद है? हाँ, विरेचन किए, अभी हम मेरा बस्ती चल। विरेचन, क्या विरेचन में क्या किया था आपने पहले दिन, फर्स्ट 5 डेज? इसमें मैंने घी इंक्रीजिंग क्वांटिटी में पिए, लास्ट दिन तो मेरे को लग रहा था कि और कितना। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था घी पीने का? फर्स्ट डे वाज ओके, सेकंड डे भी ठीक था, ओनली द फिफ्थ डे जिसमें 150 ml देखे तो मेरे को लगा कि अच्छा दवाई है पी लो, वो दैट वाज द ओनली पॉलिसी दैट आई यूज्ड। तो पिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। घी लेते समय क्या लग रहा था, क्या क्या हो रहा था बॉडी में? यही है कि एक आपके प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था कि भूख नहीं लगने से नहीं खाओ, जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक नहीं खाना। हाँ, तो मैंने वो पूरा फॉलो किया था। इट टुक टाइम टू डाइजेस्ट, क्योंकि फैट्स है, तो जब भी एक बर्ब आते हैं तो घी की एक टेस्ट आता है, रहता है, जब तक वो रहता है भूख नहीं लगता है। तो मेरे को ये फिगर आउट कर पाया कि जब ये आपकी बर्ब आता है एंड देन इट्स अ ओपन क्लीन बर्ब, देन यू नो कि यू आर हंग्री। तो मैं जाके उसके बाद खाना खाती थी, सो भूख नहीं लगी मुझे, वो रहा। तो विरेचन वाला दिन भी आई वॉज प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप लोग ने जितना भी दिया था आई थिंक मेरे को कोई थकान वकान की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सो इट वॉज़ वेरी स्मूथ, मेरे को नहीं लगा। तो
लोग यही बोलते तो ट्रीटमेंट के लिए आया या तो हंसते हंसते घूम रहे हैं। मैंने बोला अच्छा मुझे पता था कि मेरे को डिटॉक्सिफिकेशन करना है, दैट वाज द पर्पस ऑफ इट। ओके, सो जिस दिन आप 5 दिन घी लिया आपने, 2 दिन आपको मसाज किया और देन विरेचन किया। सो विरेचन का क्या एक्सपीरियंस था, कितनी बार आप मोशन गए या क्या क्या फील हुआ आपको उस दिन? विरेचन में मेरे काउंट नहीं किया, करीब 22 के ऊपर हुआ, सॉरी 15-20 के आसपास हुआ। मोर देन 20 टाइम्स आपको मोशंस हुए थे। सो वो होने के बाद फटी, कमजोरी, थकान? नहीं 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 हुआ। मोशन क्या पे बर्निंग कुछ हुआ था? हाँ, सो फर्स्ट कुछ रिलीज जो था, आप लोग हर बार जब आप मोशन जाके आ रहे थे आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, स्टूल की ऑब्जर्व करते हैं ना, तब आपको हम फ्लश नहीं करने दे रहे थे, डॉक्टर जाके चेक करते थे। हाँ, तो हर बार आप ऑब्जर्व करते कि व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टूल। सो वो करने के बाद मेरा लास्ट में ही जो आप लोग ने बोला पिथ्स आते हैं तो आपको गर्म सेंसेशन या फिर बर्निंग होगा। तो एक्सपेक्टेड सिम्टम्स जो हमको एक्सप्लेन किया गया है, दैट वाज द बेस्ट थिंग। आपके असिस्टेंट जो है ना वो बता रहे थे कि इसके बाद शायद आपको गर्म वाला आएगा, आपको ऐसा आएगा। सो प्लेसिबो इफेक्ट नहीं, लेकिन उनकी जो कहना एक्सपेक्टेड सिम्टम्स जो है स्टूल ऑब्जर्व करके जो बोल रहे थे, आई थिंक दैट वाज एन अमेजिंग थिंग। तो ये समझा रहे हैं कि जब हम विरेचन करते हैं तो हर बार पेशेंट को जब वो मोशन जाके आता है तो हम उनको फ्लश करने नहीं देते, हम जाकर हमारे जो क्लिनिक के डॉक्टर वो होते हैं वो चेक करते हैं हर बार स्टूल कि उनको वहाँ पे किस कलर का स्टूल है। और नॉर्मली विरेचन कराया जाता है जब तक लैट्रिन के यहाँ पे बर्निंग या जलन ना होने लगे, जिसको हम पित्तांत बोलते हैं कि पित्त निकलने तक उनको मोशन कर दें, उसी चीज़ को वो गर्म या जलन बोल रहे हैं। ठीक, ओके। सो विरेचन होने के बाद कैसा था, अच्छा लग रहा था, लाइट लग रहा था या थकान कमजोरी हो रहा था? उसका नेक्स्ट डे तो बहुत अच्छा ही लग रहा था, अच्छा लग रहा था। आई थिंक आई हैव अ गुड बिलीफ इन दिस सिस्टम एंड आई थिंक आई नो आई एम इन सेफ हैंड्स, कि अगर आपसे आपके तंत्र में विश्वास नहीं होता तो मैं इतना दूर नहीं आती। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट है कि आप सही जगह इलाज कर रहे हो, वो भी एक काम कर रहा है। फिर आपने बस्ती चालू की 5 डेज के बाद, तो बस्ती का क्या एक्सपीरियंस है अभी? आज कौन सा डे है आपका? कल ये था, आज ऑयल होंगे करवा था। आज फिफ्थ डे है क्या? नहीं, आज है आपका, मेरा हुआ था सैटरडे, नहीं मंडे से है क्या, 19 से शुरू हुआ था। 19, 20, 21, 22, 23 आज फिफ्थ डे। हाँ, फिफ्थ डे होगा आज। हाँ, तो अभी हो गया या बाकी है? बाकी है अभी। हाँ, 4 बजे की। तो ये 4 डे बस्ती लेने से कैसे लग रहा है आपको? स्टमक बहुत लाइट लग रहा है। जो भी खाता है, व्हाटएवर आई ईट, आई थिंक अच्छे से हजम हो रहा है, तो पाचन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लाइट है बॉडी, सो नींद अच्छा से आता है। सो इसीलिए मैं कल उस दिन आपको पूछ रहा था ना, 6 आवर्स की स्लीप इज इट सफिशिएंट, तो डीप स्लीप होता है। डीप स्लीप, आप अच्छे से सो पा रहे हो, है ना? ठीक। जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने 7 प्रॉब्लम बोली थी, उसमें से पूछते हैं कि किसमें क्या लग रहा है। फर्स्ट आपने विटिलिगो बोला था, वो तो आपने बोला था कि दाग आपके ऑलमोस्ट कम हो गए। हाँ, ठीक। सेकंड था आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते थे, तो उसमें कुछ चेंजेस लगता है या वो नहीं है? अभी तक वो फोकस जो है ना, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, हम हॉलीडे मूड पे है ना, सो अभी जब काम पे जब जाऊंगी तो पकड़ पाऊंगी कि रिटेंशन कितना हो रहा है या फोकस ड्यूरेशन कितना कर पा। क्या काम करते हो आप? मैं एक कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट एडवाइजर हूँ। सो वहाँ पे स्ट्रेस का लेवल कितना है उस काम में? स्ट्रेस का लेवल भी है, कोऑर्डिनेशन बहुत करना पड़ता है। तो एक प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट, उसकी सारा कोऑर्डिनेशन की कंटेंट डिज़ाइन, आपके मीडिया में क्या जाना है, कहाँ पे क्या लिखना है, किससे कांटेक्ट करना है, किसको क्या क्या भेजना है इन्फॉर्मेशन, वो बहुत सारा चीज़ें एक साथ होते हैं। तो मल्टीपल ब्रेन के टास्क होते हैं। हाँ, तो एक फंक्शन स्ट्रेट नहीं होता, बहुत सारा एक साथ काम होता है, तो उसी की अति चिंता रस धातु है ना। ठीक है, फिर आपने एक प्रॉब्लम बोली थी कि समटाइम कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको होता था, अभी कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं फील हो रहा है। हार्ट स्टूल आपको होने की प्रॉब्लम थी वो? नहीं, अभी कुछ नहीं। ठीक है, मेनोपॉज आपको हो गया है। आफ्टर फूड आपको हैवीनेस लगता था और नींद आने जैसे लगता था, वो कैसा है? वो अभी पकड़ नहीं पा रहा है, अभी इतना कुछ ध्यान ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। राइट, और एक इश्यू था सीवियर एसिडिटी, वो सीवियर एसिडिटी कैसा है? पहले था, अब इतना नहीं है। तो मैंने यही बोला था, यही है कि जब मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू की थी, आपके सबसे पहले वीडियो था जो मैंने देखा था, ज़्यादा पानी पियो जल्दी मरो। हाँ, तो मैं बेसिकली मेरे एक्सरसाइज बहुत होते थे,
अभी भी है। कब की बात है ये? ये 2019 की बिफोर की बात है। तब आप एक्सरसाइज बहुत करते थे? हाँ, अभी भी करते हैं। तो क्या होता है, हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट में मैं प्याज लगे ना लगे पीते रहे। तो आई ईट क्लीन, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये कहाँ से आ रहे हैं। तब बाद में आपकी जो देखा देना, आई सेड ओके, जब प्याज लगी तब मैं पीऊँगी। तो वो करने के बाद मेरा अभी एसिडिटी पूरा, दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटमेंट आई थिंक आपसे। ओके, कि पानी पीना आपने बंद किया और आपको अच्छा खासा एसिडिटी में रिलीफ हो गया? कुछ एसिडिटी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, गुड। इसके बारे में आयुर्वेद में भी श्लोक है, योग रत्नाकर में एक श्लोक है कि जला अधिक्य मनुष्याणाम आम वृद्धि प्रजायते, कि अति जल पीने से आम दोष बनता है और वो फिर आम दोष मृत्यु तक लेकर जाता है। बहुत सारी बीमारी लिखी, फीवर होता है, एसिडिटी, स्किन डिसीज, बहुत कुछ होता है। सो अच्छा है आपको वो समझ में आया, वरना कई लोग तो गाली देते रहते हैं। एक बात यही डिस्क्लेमर के साथ मैं ये बोल सकती हूँ, आपकी जो आयुर्वेदिक टिप्स आपने जो जितना वीडियो दिया ना, उससे मैंने बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंजेस किया है। आई थिंक उसके रिजल्ट जो है, आई थिंक मेरा असर बहुत असर हुआ है, बहुत असर हुआ है इन अ गुड वे। इसीलिए मैंने सोचा अगर जाना है तो मैं आपके पास ही आऊंगी। सो आप रहते भी इंडिया में, कहाँ पे हो अभी? तो मैं नावी मुंबई में एक फैमिली फ्रेंड के घर पे। नहीं, बेसिकली आपका यहाँ पे कौन, होम टाउन क्या है? मणिपुर। बट आप मणिपुर के बदले मुंबई आए हो? हाँ, अभी वहाँ जाने के लिए एक हफ्ता भी नहीं मिलेगा मुझे। क्योंकि उनका शेड्यूल इतना टाइट था कि वहाँ पे उनको जाने, क्योंकि पंचकर्म में ही उनके ऑलमोस्ट 20-22 दिन जा रहे हैं, तो वहाँ पे हार्डली उनको 5 या 7 डेज कुछ मिलेंगे। ठीक है, हमने जब आपको चेक किया था तो आपको लीवर के अंदर हैवीनेस था और राइट साइड में पेन था। सो इस बार जब चेक किया तो वो कोई भी आपको पेन या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो अभी हमने उनको एडवाइस की है 3 मंथ्स मेडिसिन लेने, 3 मंथ्स बस्ती किट फॉलो करने, जिससे कि बस्ती एक दिन दूध एक दिन तेल, जिससे उनका वात और कफ कंट्रोल में रहे। और मेडिसिन में हमने उनके कंडीशन के हिसाब से सारिवा, अश्वगंधा, गंधक रसायन, पंचतिक्त, यष्टि, ऐसी कई सारी औषधियाँ उनको दी थी। ठीक है, चलो फाइनली कैसा रहा ये 20-22 दिन का आयुर्वेद का एक्सपीरियंस आपका? फैंटास्टिक, अच्छा लगा आयुर्वेदा करके? बिल्कुल। ओके, ठीक है, तो ये हैं अंजू सिंह जी, जिन्होंने न्यूजीलैंड से इंडिया में ट्रेवल किया है पंचकर्म कराने के लिए। चलेगा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।